हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति साइंस क्लासेस। दिस इज स्वाति हियर। टुडे आई एम बैक विथ अनदर न्यू पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 8, विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 3, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन के द्वारा क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या तबाही होती है, वो इसमें बताया जा रहा है। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही लेकर आता है। उसके आने से बहुत तबाही होती है, विनाश होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जीवन का, जान माल का, सबका। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म्स इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। जो विंड्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी तेज आती है, वाटर के तरफ इतनी तेज वाटर को पुश करती हैं तट तक जाने के लिए वाटर को। और जो तूफान होता है वो अभी हंड्रेड्स किलोमीटर पीछे ही रहता है और विंड का जो पावर होता है वो वाटर को तट की तरफ पुश करती है। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये पहला इंडिकेशन होता है, संकेत होता है कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। जो वाटर वेव्स होते हैं, जो वाटर की वेव चलती है ना, वो इतनी तेज होती है और इतनी पावरफुल होती है कि उसके आगे कोई पर्सन टिक नहीं सकता, वो उसको डुबा देगी या फिर अपने साथ बहा ले जाएगी। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। और जो प्रेशर होता है वो सेंटर में होता है वाटर का। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 meters। और वाटर का जो लेवल होता है, जो वाटर उठता है ऊपर को जाता है, वो उसकी जो हाइट होती है वो 3 to 12 meters की होती है। फिगर 8.13, ये देखिए, ये वाटर की वेव्स हैं जो ये ऊपर उठ रही हैं वाटर, ये 3 to 12 meters हाइट ऊपर तक उठती हैं। इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। ऐसा प्रतीत होता है उसको देखे कि पानी की एक दीवार है जो कि तट के तरफ बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये वाटर धीरे धीरे करके, सी वाटर जो है वो कोस्टल एरिया में, लैंड्स में घुस जाता है, सड़कों पे, घरों में, और सब तबाही मचा देता है, लाइफ की और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब कर देता है, कम कर देता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन। और लगातार जो हैवी बारिश होती है, हैवी वर्षा होता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी तेज बारिश होती है और लगातार होती रहती है, तो इससे फ्लड आने की भी सिचुएशन बन जाती है, यानी कि बाढ़ आने का पूरा सिचुएशन हो जाता है कि अब बाढ़ आ जाएगा। हाई स्पीड विंड्स अकम्पेइंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज इटीसी। जो हाई स्पीड होती है ना साइक्लोन की, वो बहुत सारे घरों को तबाह कर देता है, डैमेज कर देता है, टेलीफोन्स और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, ट्रीज को, और भी बहुत सारे चीज़ों का नुकसान कर देता है। कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ही ज़्यादा इससे तबाही होती है जिंदगी की लोगों के और उसकी लाइफ की और घरों की। टॉर्नेडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में टॉर्नेडोज नहीं इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये जो टॉर्नेडो है ये डार्क कलर का फनल के शेप का, किप के शेप का होता है, जो कि स्काई से क्लाउड होता है, जो कि स्काई से ग्राउंड पर आता है नीचे। फिगर 8.6, ये देखिए, डार्क कलर का होता है, स्काई से नीचे ग्राउंड पर आता है टॉर्नेडो। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। बहुत सारे जो टॉर्नेडोज होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो सबसे ताकतवर और ज़्यादा तेज होता है, वायलेंट होता है टॉर्नेडो, वो उसकी जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर होती है। टॉर्नेडोज मे फॉर्म विद इन साइक्लोन। टॉर्नेडोज जो होते हैं वो साइक्लोन के अंदर ही से निकलते हैं, अंदर बन जाते हैं साइक्लोन के बीच में, साइक्लोन के साथ बन जाते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो कोस्ट लाइन होती है इंडिया की, जो भी कोस्ट लाइन है जहाँ पे भी, वो वल्नरेबल होते हैं साइक्लोन्स के लिए, यानी कि कमजोर होते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर होते हैं।
पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, और सबसे ज़्यादा ईस्ट कोस्ट के एरिया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। कम कमज़ोर है लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए कम कमज़ोर है हमारे कोस्टल एरिया। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं हमारे लिए। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, जो साइक्लोन फोरकास्ट होता है जिससे पहले ही हमें बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, या फिर वार्निंग सर्विस जो होती हैं वो वार्न कर देती हैं हमें। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, पब्लिक को भी वार्निंग दे दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज, साइक्लोन की प्रोन एरियाज जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर आ जाते हैं या अक्सर होते हैं साइक्लोन वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे एक शेल्टर बना दिया जाता है साइक्लोन का। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, उसके बाद लोगों को सेफ प्लेस पे पहुँचाने के लिए अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, We should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radio or newspapers. हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए उस वार्निंग को जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आती है, यानी कि मौसम विभाग से आती है। थ्रू किसके थ्रू आती है? TV, रेडियो या फिर newspaper के थ्रू। वार्निंग को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc to safer places. हमें necessary arrangement करके रखना चाहिए, जो हमारे लिए essential household की चीज़ें होती हैं, सामान होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको, domestic animals को और हमारे vehicle यानी गाड़ी और हमारी bicycle, गाड़ी, फोर व्हीलर, उनको हमें safer place पर shift कर देना चाहिए। Avoid driving on roads through standing water as floods may have damaged the roads. कहीं भी अवॉइड करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी भरा हो, क्योंकि जब फ्लड आता है तो वो सड़कों को भी तोड़ देता है और गड्ढे भी बन जाते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। हमें हमेशा फ़ोन अपना रेडी रखना चाहिए इमरजेंसी कॉल के लिए या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल के लिए, सेंटर्स के लिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रहते हैं तो कुछ और भी प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, जैसे कि डू नॉट ड्रिंक वाटर डैट कुड बी कंटामिनेटेड। आपको कंटामिनेटेड यानी कि ऐसे वाटर, गंदा पानी, ऐसा कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, हमेशा इमरजेंसी के लिए साफ पानी पीने वाला रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स, कभी भी गीले स्विच को नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, और जो वो टेलीफोन के या फिर बिजली के जो तार गिरे होते हैं उनको भी नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन, कभी भी बाहर बिना किसी मतलब के सिर्फ फालतू में घूमने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाई मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, जो रेस्क्यू टीम होती है, जो रेस्क्यू करने आते हैं, उनके साथ कोई फालतू की डिमांड नहीं करनी चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें यही चाहिए, हमें यही ला के दो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है पहले से हमारे इस टाइम में। These days we are better protected. ये समय है कि हम ज़्यादा protected हैं। In the early part of the last century, जो पहले की सेंचुरी थी, उनके according, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. पहले के centuries में क्या होता था कि उन्हें बहुत कम time मिलता था प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को, या फिर अपने आप को बचाने के लिए ऑन कमिंग साइक्लोन से। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन अब जो है, अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है, थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स। सैटेलाइट और रडार्स को धन्यवाद है, क्योंकि उन्हीं के वजह से हमें साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस। ये एडवांस में हमें
साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच से पता चल जाता है और हमें अलर्ट कर दिया जाता है ऑफ एनी एक्सपेक्ट स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। और साइक्लोन वार्निंग जो है वो, या फिर कोई भी तूफान आता है तो हमें 24 घंटे पहले उसकी वार्निंग दे दी जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। जब वो कोस्ट के पास आता है, या हर आधे घंटे एक घंटे पे हमें वार्निंग दी जाती है, मैसेज किया जाता है, फोरकास्ट कर दिया जाता है ब्रॉडकास्ट की हेल्प से कि वार्निंग दी जाती है कि साइक्लोन अब इतना आ गया, इतना आ गया, इतना पास आ गया है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं साइक्लोन को और उससे रिलेटेड जितने भी डिजास्टर होते हैं, जितनी भी तबाही होती है, जितना भी नुकसान होता है, उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और हेल्प भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 विंड्स स्टॉर्म्स और एंड साइक्लोन्स यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगी। और इसके आगे मैं आपको इसी चैप्टर का वर्कबुक और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ।